नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। राजस्थान के कोटा बिलासपुर के निवासी कोचिंग छात्रा का शव कोटा के जंगल में मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग की हत्या की गई। 2 दिनों से लापता थी, जिसकी गुमसुदगी की रिपोर्ट हॉस्टल संचालक धर्मेंद्र ने जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही थी। किशोरी का शव जवाहर सागर के पोराबास के जंगलों में मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। किशोरी कोटा में हॉस्टल में रहकर वो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। किशोरी करीब 1.5 से 2 महीने पहले ही कोटा तैयारी करने के लिए आई थी। शव मिलने के बाद किशोरी के पेरेंट्स भी कोटा पहुंच गए। एसपी सिटी केशर सिंह शेखावत ने बताया कि किशोरी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की रहने वाली थी। किशोरी 6 जून को सुबह कोचिंग जाने के लिए हॉस्टल से निकली थी, लेकिन वो कोचिंग भी नहीं पहुंची, साथ ही वापस हॉस्टल भी नहीं आई। कोटा पहुंच परिजनों ने हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं इस मामले में बताया जा रहा है कि किशोरी की जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से हुई थी। ये लड़का गुजरात का बताया जा रहा है। उसने कोटा में होटल भी लिया हुआ था। बीते दिनों किशोरी से मिलने भी कोटा पहुंचा था। नाबालिग 6 जून से ही गायब थी। गायब हुए लड़के की लोकेशन भी उदयपुर तक पुलिस को ट्रेस हुई है, जिसके बाद अब कहां चला गया ये कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पुलिस टीमें इस लड़के की तलाश में जुटी हुई हैं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।